हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारा उमराव। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पुष्कर झील, जो पुष्कर में है और ये शहर अजमेर से लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अजमेर से पुष्कर आने के लिए आपको बहुत ही आराम से ऑटो, टैक्सी या बसेस अवेलेबल हैं और अभी मेट्रो का काम भी चल रहा है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप पुष्कर पहुँच जाएंगे। तो ये है व्यू अजमेर टू पुष्कर का। तो फ्रेंड्स, ये है पुष्कर झील। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है। ऐसा माना जाता है जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे, तब उनके हाथ से कमल का फूल नीचे गिर गया था और उस कमल के फूल में कुछ बूंदें पानी की थी और वो पानी की बूंदें ज़मीन में गिरते ही ये पुष्कर झील बन गई। ये झील राजस्थान की सबसे पुरानी झीलों में से एक है और ऐसा माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा में इसमें स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ करीब 52 घाट हैं और आसपास लगभग 300 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इन 52 घाट में सबसे इम्पोर्टेंट 10 घाट हैं, वराह, दधीच, सप्तऋषि, ग्वालियर, कोटा, गौ घाट, यज्ञ घाट, जयपुर, करनी और गंगौर घाट। यहाँ डेली ही आरती होती है और यहाँ पे स्नान करना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। यहाँ इस झील की लोग परिक्रमा भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए रात में इस झील का व्यू कितना सुंदर दिखाई देता है और यहाँ आके मन को बहुत शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था पुष्कर झील पर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।